हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी कॉर्नर। व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर इंदर कुमार का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ उनके कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो भी आप व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। व्यूअर, बात करें इंदर कुमार की तो उन्होंने एज अ डायरेक्टर डेब्यू मूवी थी दिल, जो कि 1990 में रिलीज़ हुई और वो अब तक 15 मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं। इंदर कुमार पहले म्यूजिकल रोमांटिक मूवीज़ और उसके बाद फैमिली ड्रामा मूवीज़ उन्होंने बड़ी कामयाबी से अच्छी बनाई। बाद में उन्होंने कॉमेडी और साथ ही साथ एडल्ट कॉमेडी मूवीज़ भी बनाई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर वो भी सक्सेसफुल साबित हुई हैं। एज अ डायरेक्टर इंदर कुमार की अब तक की रिलीज़ होने वाली आखिरी मूवी का नाम है टोटल धमाल, जो कि फरवरी 2019 को रिलीज़ हुई थी। और व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम एज अ डायरेक्टर इंदर कुमार की इन्हीं तमाम मूवीज़ की डिटेल के साथ साथ उनके कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो भी आप व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, एज अ डायरेक्टर इंदर कुमार की डेब्यू मूवी का नाम है दिल। फिल्म की लीड कास्ट में आमिर खान, माधुरी दीक्षित, सईद जाफरी, देवन वर्मा और अनुपम खेर शामिल थे और यह फिल्म 22 जून 1990 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 1.75 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ के कलेक्शन किए और एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। और व्यूअर, इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है बेटा। फिल्म की लीड कास्ट में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरुणा ईरानी और अनुपम खेर शामिल थे और यह फिल्म 3 अप्रैल 1992 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 2.20 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में 13 करोड़ के कलेक्शन किए और एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। और फ्रेंड, इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है राजा। फिल्म की लीड कास्ट में माधुरी दीक्षित, संजय कपूर, मुकेश खन्ना, पारेश रावल शामिल थे और यह फिल्म 23 जून 1995 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 4.25 करोड़ और इसने इंडिया में 20.34 करोड़ के कलेक्शन किए और एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। और ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पहले डायरेक्टर बन गए जिन्होंने अपने स्टार्ट की 3 मूवीज़ बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर साबित करवाई थी। और व्यूअर, इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी इश्क। फिल्म की लीड कास्ट में आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला और काजोल शामिल थे और यह फिल्म 28 नवंबर 1997 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 11 करोड़ और इसने इंडिया में 24.93 करोड़ के कलेक्शन किए और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है मन। फिल्म की लीड कास्ट में आमिर खान, मनीषा कोइराला, शर्मिला टैगोर और नीरज वोरा शामिल थे और यह फिल्म 9 जुलाई 1999 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 14 करोड़ और इसने इंडिया में 16.65 करोड़ के कलेक्शन किए और एक एवरेज मूवी करार दी गई। इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है आशिक। फिल्म की लीड कास्ट में बॉबी देओल, करिश्मा कपूर शामिल थे और यह फिल्म 26 जनवरी 2001 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 9 करोड़ और इसने इंडिया में 10.34 करोड़ के कलेक्शन की और एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई। इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी रिश्ते। फिल्म की लीड कास्ट में अनिल कपूर, करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी शामिल थे और यह फिल्म 6 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 8.75 करोड़ और फिल्म ने इंडिया में 6 करोड़ के कलेक्शन किए और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और फ्रेंड, इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है मस्ती। फिल्म की लीड कास्ट में रितेश देशमुख, विवेक ओबराय, आफ्ताब शिवदेसानी, अजय देवगन, लारा दत्ता शामिल थे और यह फिल्म 9 अप्रैल 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 12 करोड़ और उसने इंडिया में 20.28 करोड़ के कलेक्शन किए और एक हिट फिल्म साबित हुई। और व्यूअर, इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है प्यारे मोहन। फिल्म की लीड कास्ट में फरदीन खान, विवेक ओबरा, ईशा देवल और अमृता राव शामिल थे और यह फिल्म 21 अप्रैल 2006 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 13 करोड़ और उसने इंडिया में 11.80 करोड़ के कलेक्शन किए और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। और फ्रेंड, इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है धमाल। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी और असरानी शामिल थे और यह फिल्म 7 सितंबर 2007 को रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट था 19 करोड़ और इसने इंडिया में 32.51 करोड़ के कलेक्शन किए और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है डबल धमाल। फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, कंगना रनावत, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी और मलेका शरावत शामिल थे और यह फिल्म 24 जून 2011 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 29 करोड़ और उसने इंडिया में 43.88 करोड़ के कलेक्शन किए और एक एवरेज मूवी करार दी गई। और फ्रेंड, इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है ग्रैंड मस्ती। फिल्म की लीड कास्ट में रितेश देशमुख, विवेक ओबराय, आफ्ताब शिवदेसानी शामिल थे और यह फिल्म रिलीज हुई थी 13 सितंबर 2013 को।
फिल्म का बजट था 34 करोड़ और उसने इंडिया में 102 करोड़ के कलेक्शन किए और यह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की पहली अडल्ट कॉमेडी मूवी साबित हुई जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री दी थी और बॉक्स ऑफिस पर यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इंद्र कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है सुपर नानी। फिल्म के लीड कास्ट में रेखा, शर्मन जोशी, रणधीर कपूर और अनुपम खेर शामिल थे और यह फिल्म 31 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 18 करोड़ और इसने इंडिया में जस्ट 2 करोड़ 61 लैक्स के कलेक्शन किए और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। इंद्र कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम ग्रेट ग्रैंड मस्ती। फिल्म की लीड कास्ट में रितेश देशमुख, विवेक ओबराय, आफ्ताब शिवदसानी और उर्वशी रोटाला शामिल थे और यह फिल्म 15 जुलाई 2016 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 39 करोड़ और इसने इंडिया में 13 करोड़ 59 लैक्स के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। इस फिल्म ने अच्छे कलेक्शन इसलिए नहीं किए थे, फिल्म की रिलीज से पहले ही इसकी कॉपी लीक हो गई थी और ऑनलाइन इस फिल्म को मास्टर प्रिंट में बहुत सारे व्यूवर्स ने देख लिया था, तो सिनेमा पर इस फिल्म को इसलिए ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और व्यूवर इंद्र कुमार की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम था टोटल धमाल। फिल्म की लीड कास्ट में अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अर्शद वासी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, जॉनी लीवर शामिल थे और यह फिल्म 22 फरवरी 2019 को रिलीज हुई। फिल्म का बजट था 100 करोड़ और इसने इंडिया में 154 करोड़ 23 लाख के कलेक्शन किए और एक सुपरहिट फिल्म करार दी गई और यही एज अ डायरेक्टर इंद्र कुमार की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। और व्यूअर इंद्र कुमार की डायरेक्शन में अनाउंस की जाने वाली अपकमिंग मूवीज़ में सबसे पहले मूवी का नाम है फुल ऑन धमाल। फिल्म की लीड कास्ट के लिए संजय दत्त, अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी और कंगना रनावत को कहा जा रहा है और यह फिल्म 2021-2022 में आप व्यूअर्स को देखने को मिल पाएगी। और फ्रेंड इसके अलावा इंद्र कुमार की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट अपकमिंग मूवी जो अनाउंस हुई है उस फिल्म का नाम है मस्ती 4 और इस फिल्म के लिए रितेश देशमुख, विवेक ओबराय, आफ्ताब शिवदसानी को फाइनल किया गया है और ये फिल्म भी 2021-2022 में आप व्यूअर्स को थिएटर्स पर देखने को मिल पाएगी। और फ्रेंड इंद्र कुमार की डायरेक्शन में बनने वाली इन तमाम मूवीज़ का अगर सक्सेस रेशो निकाले तो इंद्र कुमार ने अपने कंप्लीट करियर में 15 मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जिनमें से 4 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर, 3 सुपरहिट, 1 हिट, 2 एवरेज, 1 बिलो एवरेज और इसके अलावा उनकी 2 मूवीज़ फ्लॉप और 2 डिज़ास्टर रही हैं। तो इस हिसाब से इंद्र कुमार के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है 73.33%। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।